20 साल पहले क्या अपना देश था। और ये जो परिवर्तन देश में होता है, विश्व में होता है, ये परिवर्तन हमारे संगठन को भी प्रभावित करता है। हम कैसे इस परिवर्तन में सेवा दल का नया मोड़ दें, ये आज बहुत बड़ी चुनौती लालजी भाई आप और आपकी पूरी टीम को है कि जो हम बात 10 साल 20 साल पहले करते थे तो वो तो करेंगे ही करेंगे, वो कभी मिट नहीं सकती, पर साथ साथ हमें उसमें और क्या जोड़ना है, ये आज बहुत बड़ी आवश्यकता। आज कहां ले जाए जा रहे हैं हम, हमारे देश की संस्कृति क्या है। अगर हमारे देश की संस्कृति जो है, अगर कोई संगठन जुड़ा हुआ है अपनी देश की संस्कृति साथ, वह सेवा दल जुड़ा हुआ है, यह हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और आज इस परिवर्तन को कैसे जोड़ा जाए सेवा दल से, पहले कोई इंटरनेट नहीं हुआ करता था, आज तो ये इंटरनेट विश्वविद्यालय और ये व्हाट्सएप विश्वविद्यालय जो बने हुए हैं, इससे सेवा दल कैसे पूरा लाभ उठाए, हम अपना संदेश सेवा दल का संदेश गांव गांव कैसे पहुंचाए, ये राजनीतिक परिवर्तन से जब हम जोड़ने की बात करें, हमारी संस्कृति में परिवर्तन नहीं हुआ। भारत की संस्कृति क्या है, हम चंद्रगुप्त से देखें, चंद्रगुप्त से अशोका तक भारत की संस्कृति क्या है कि आज अपने देश में पूरा विश्व को ताज्जुब होता है, ताज्जुब होता है, सम्मान से अपने देश में की ओर देखते हैं, जब वो देखते हैं कि कैसा देश है, इतनी विभिन्न भाषाएं, इतने विभिन्न धर्म, इतनी विभिन्न जातियां, इतने विभिन्न त्योहार। हम अभी उत्तर से दक्षिण जाए तो हमारा पजामा और धोती भी लुंगी बन जाती है, ये विभिन्नता है, ये अनेकता है। इस अनेकता कैसे एक बनी रहे, ये हमारे देश की संस्कृति है। हमारे देश की संस्कृति जो टॉलरेंस की संस्कृति है, भाईचारे की संस्कृति है, यही हमारे संविधान का मूल्य है। और आज इस पर किस प्रकार का हमला हो रहा है, किस प्रकार का हमला अपने देश पर हो रहा है, और इसका क्या प्रभाव भविष्य में पड़ेगा, बड़े खतरे की बात है। बहुत सारे लोग समझते नहीं है, वो सोचते हैं तो ये राजनीतिक ये भी गुजर जाएगा, ये कभी गुजरने वाला नहीं है। जो बीज बोए हैं, जो बीज बोए जा रहे हैं, और इसमें सेवा दल का बहुत बड़ा योगदान है कि आप जो हमारी संस्कृति है, भारत की संस्कृति है, जिससे भारत महान बनता है, पूरा विश्व, मैं कह रहा था, ताज्जुब से देखता है कि किस प्रकार की ये विभिन्नता अनेकता, ये देश एक झंडे के नीचे खड़ा रहता है। कोई ऐसा देश है विश्व में, कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है। एक हुआ करता था सोवियत संघ, बड़ी शक्ति थी, हुआ करता था, पर सोवियत संघ तो बिखर गया कि उनकी संस्कृति वो नहीं थी, हमारी संस्कृति वो है, और यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, और इसी पर आज हमला किया जा रहा है, यही सबसे चिंता का विषय है। ये NRC की बात करते हैं, ये जो मीडिया के लोग हैं, NRC के बारे में एक बुनियादी बात है, NRC का मतलब क्या है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। तो लालजी भाई, जब आप अपना नाम दर्ज कराने जाओगे NRC में, उसका एक प्रश्न होगा, आपका धर्म क्या है, आप कहोगे मैं तो हिंदू हूं, ये सबूत दो, आपके पास कोई सबूत है कि आप हिंदू हैं, या कोई जिस धर्म का है उसके पास कोई सबूत है, वो कौन से धर्म का है, कहेंगे अच्छा आपके बाप का क्या धर्म था, आपके दादा का क्या धर्म था, कोई सबूत है, नहीं आपका नाम तो दर्ज नहीं हो सकता। NRC के कानून में और ये CAB के कानून में जो सिटीजन्स का बिल बना है, इसमें ये बात नहीं है कि क्या लिखा है, हमें चिंता है कि क्या नहीं लिखा, जो नहीं लिखा है वो उसका ज्यादा महत्व है। कानून बनते हैं पर कानून में जो सेफगार्ड्स होते हैं, जो सावधानी के सेक्शंस होते हैं, क्या वो इसमें है। तो आज ये गुमराह की बात करने आते हैं,
आपको भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पहचाननी है, पिछले 6 साल 7 साल की राजनीति पहचाननी है, किस प्रकार से इनके ध्यान मोड़ने की राजनीति है। हर चीज में ये ध्यान मोड़ेंगे। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, जनता का ध्यान मोड़ दिया, सही बात तो ये, ध्यान मोड़ने की राजनीति। आज चुनौतियां और प्रश्न हमारे सामने दूसरे हैं, उसका जवाब नहीं है। आपने कभी सुना मोदी जी को नौजवानों की बात करते हुए, पिछले कुछ महीनों में किसानों की बात करते हुए, महिलाओं की बात करते हुए? तो इससे किस प्रकार से ये ध्यान मोड़ने का गुमराह की राजनीति में ये विश्वास रखते हैं, और ये कांग्रेस को पाठ पढ़ाएंगे, सेवा दल को पाठ पढ़ाएंगे राष्ट्रवाद का। मैं तो ये हमेशा कहता हूं कि मोदी जी एक नाम बता दीजिए जो आपके पार्टी का स्वतंत्र संग्राम सेनानी रहा हुआ है। चलिए आपने बताया, अपने रिश्तेदार का तो बता दीजिए, एक रिश्तेदार का नाम बता दीजिए। अपना नाम तो छोड़िए, बाप दादाओं का नाम तो छोड़िए, अपना नाम एक इनका स्वतंत्र संग्राम सेनानी नहीं रहा, और ये राष्ट्रवाद का पाठ कांग्रेस को पढ़ाने आते हैं। कलाकारी देखिए, कितनी कलाकारी, और यही सेवा दल का आज संदेश होना चाहिए। आपकी ट्रेनिंग कैंप होगी, आपको इस ट्रेनिंग कैंप में कि कैसे हम अपनी बात गांव गांव तक पहुंचाएं। जमाना बदल गया, पहले एक नेता जाके गांव में समझा देता था, आज तो गांव में सब समझदार हो गए, सब समझदार हो गए, कोई किसी की बात सुनने नहीं वाला। पर हमारी सेवा दल की बात हर गांव तक कैसे पहुंचे, ये कैंप खत्म हो जाएगी। पर इस कैंप का एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपनी बात, हमारा गांव में क्या संगठन है, हम भोपाल में कर लेंगे, जिला मुख्यालय में कर लेंगे, अधिवेशन कर लेंगे, कार्यक्रम कर लेंगे, पर गांव में क्या होगा। जब तक हम गांव गांव में ये बात ना पहुंचाएं, और यही कांग्रेस के पास माध्यम है, कांग्रेस के पास एक सबसे बड़ा और सबसे निष्ठावान माध्यम है, वो सेवा दल है। आप सब यहां आए हैं अपना घर छोड़ के, अपना काम छोड़ के। यहां कोई ठेका नहीं मिल रहा, यहां कोई कमीशन नहीं मिल रही, किस लिए आप आए? निष्ठा से आए, उस विश्वास से आए, क्योंकि आप उन नीतियों पर, उस सभ्यता से, उन संस्कारों पर आपका विश्वास है, इसलिए आप यहां उपस्थित हैं, कुछ लेने नहीं आए। यही सबसे बड़ी बात है, आपका निष्ठा ही सबसे बड़ा प्रमाण है कि आपकी राष्ट्र सेवा में आप भाग लेने आए। और आज ये बात पहुंचानी गांव गांव तक भी राष्ट्र सेवा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारा आईटी सेल, सेवा दल का आईटी सेल कितना मजबूत होना चाहिए, इसमें और कहीं आप करें या नहीं करें, हम मध्य प्रदेश में करने को तैयार हूं। मैं मध्य प्रदेश में करने को तैयार हूं, जो देश में कहीं नहीं हुआ, जो सेवा दल का आईटी सेल हुए, वो देश में सबसे एक्टिव और सबसे अच्छा आपके ऊपर है। आप ये प्रपोजल बनाओ, किसी चीज की चिंता मत करो, सब साधन मैं उपलब्ध कराऊंगा। और ये सेवा दल का आईटी सेल हमारा देश भर के सेवा दल का लिए एक कमांड सेंटर बने, एक कमांड सेंटर बने। जगह जगह नहीं हो सकता, आज तो जगह जगह बनाने की आवश्यकता नहीं, एक जगह बन जाता है सब जगह फैल जाता है। तो ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है, आप ये बनाएं। जितने आपको इसके स्पेशलिस्ट की, जो इन संस्थाओं की मदद लेनी है, लीजिए, हम करेंगे, क्योंकि ये एक राष्ट्र सेवा है। और मैं ज़्यादा ना कहते हुए, जब मुझे पता चला इस कैंप, मैं तो था नहीं, पर जब पता चला ये कैंप है, मेरी इच्छा हुई कि कुछ देर के लिए, हमारे सामने चुनौतियाँ मध्य प्रदेश में कौन सी नहीं है, लगभग 12.5 महीने हुए जब से नई सरकार बनी, कैसी क्या स्थिति में, कैसा मध्य प्रदेश हमें सौंपा, 2.5 महीने तो आचार संहिता में और लोकसभा के चुनाव में चले गए,
लगभग ये 9.5-10 महीनों में कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं थी, खाली तिजोरी। ये तो खुद कहते थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता तो खुद कहते थे तिजोरी खाली है, कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं नहीं कहता, ये कहते थे खाली तिजोरी। मध्य प्रदेश कैसा हमें सौंपा कि किसानों की आत्महत्या में नंबर वन, बेरोजगारी में नंबर वन, महिलाओं पर शोषण में नंबर वन, अत्याचार में नंबर वन, ऐसा प्रदेश सौंपा। और यही सबसे बड़ी चुनौती थी कि मध्य प्रदेश का जो माहौल है कैसे बदला जाए। कृषि क्षेत्र में किसान का जन्म कर्जे में होता है, मृत्यु कर्जे में होती है। नौजवान, आज के नौजवान में बहुत अंतर है। आज के नौजवान की अपनी सोच है, आज के नौजवान में अपनी तरफ है, आज उसको जो ज्ञान है हमें नहीं था उसकी उम्र पर, उसको कितना ज्ञान है। आज का नौजवान समझता है, वह तो व्यवसाय का मौका ढूंढ रहा है, रोजगार का मौका ढूंढ रहा है। गांव से गया इंजीनियरिंग करने और रोजगार नहीं मिलता, वो ना तो रहा गांव का ना तो रहा शहर का, उसकी पीड़ा भी समझी। और यही पीढ़ी हमारे मध्य प्रदेश और देश का निर्माण करेगी भविष्य में, यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। और मोदी जी इसकी बात नहीं कर रहे, मोदी जी इसकी बात नहीं कर रहे। आज ही मैंने अखबारों में पढ़ा कि ये आज बैठ के, कल परसों उन्होंने बैठ के उद्योगपतियों को बुलाया फोटो खिंचवाने के लिए, मीडिया के लिए। और आज फिर से कहते हैं मैं फिर से मीटिंग कर रहा हूँ मीडिया के लिए। मैं तो मोदी जी से कहता हूँ, आपने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार, नौजवानों को हर साल रोजगार मिलेगा, अब तो आप बता दीजिए अगले साल कितनों को मिलेगा। बाकी बात छोड़िए, 2 करोड़ भी छोड़िए, चलिए आपको माफ कर दिया, 1 करोड़ की तो बात कर लीजिए। तो इन सब चीजों से ध्यान मोड़ने के लिए, जिससे देश में अशांति फैले, देश की नींव हिलाए हिलाएं, सब शांत बैठे हैं, क्यों नींव हिलाई जाए देश की? मेरा तो प्रश्न ये, आप क्यों नींव हिलाने में लगे? कौन सी बड़ी आवश्यकता है? ये एनआरसी की कौन सी आवश्यकता थी? कौन सा आसमान गिर रहा था? ये सीएबी की कौन सी अपने विभिन्न देशों से लोग आ रहे थे अपने यहां, कौन से आ रहे थे कि आपको इतनी जल्दी थी कि ये किया जाए? कौन सी जल्दी थी कि आप एनआरसी की बात करें? कौन सी आफत थी? पर उनका लक्ष्य दूसरा था। तो अंत में मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपको बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद तो देना ही चाहता हूं, साथ साथ आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप जो संस्था से जुड़े हैं, यही संस्था कांग्रेस की नींव है। इसी संस्था ने कांग्रेस के सिद्धांतों का निर्माण किया और आपके हाथ में है कांग्रेस का भी भविष्य। आप परिवर्तन ले आइए सेवादल में, परिवर्तन लाइए, आज के जमाने का परिवर्तन लाइए और सेवादल का झंडा सबसे ऊंचा लहराता रहे, यही मेरी आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद।